सो गाइज रेडमी नोट 8 प्रो जो है काफ़ी अमेजिंग हैंडसेट है एंड दैट्स इसके अंदर काफ़ी सारे हिडन फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो फ़ोन को। तो इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको रेडमी नोट 8 प्रो के कुछ 5 हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हो और काफ़ी कूल लुक दे सकते हो अपने रेडमी नोट 8 प्रो को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर में आपको यहां पर नॉच देखने को मिल जाता है, बट अगर आप चाहें तो इस नॉच को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन को काफी कूल लुक दे सकते हैं आरजीबी कलर्स के साथ में बॉर्डर के साथ। तो ये कैसे करना है, मैंने अपने फोन में कैसे किया, तो इसके लिए आपको बेसिकली प्ले स्टोर में जाना है और एक सिंपल सा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है बॉर्डर लाइट लाइव वॉलपेपर। इसे आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन की स्पीड्स दी गई है। आप जो ये एनिमेशन है इसे आप कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने अगर इसे फुल कर दूंगा मैं यहां से पूरा, तो देख सकते हैं कि आरजीबी लाइट जो है वो काफी ज्यादा जो है स्पीड में जा रहा है और अगर मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूं तो ये धीरे धीरे कलर को चेंज करेगा। बॉर्डर की थिकनेस को आप जो है यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना भी ज़्यादा करना चाहो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है कर सकते हो। यहां पर बॉर्डर की थिकनेस लॉक स्क्रीन पर कैसी रहेगी वो आप कर सकते हो अप एंड डाउन, या फिर टॉप कॉर्नर पर जो रेडियस है वो कैसा रहेगा वो भी आप इसमें जो है कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और यहां से कलर चेंजिंग के भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके जो है आप अपने रेडमी नोट 8 प्रो फोन को काफ़ी अमेजिंग लुक दे सकते हो। एंड दैट्स जब भी यार कोई हाथ में आपका फ़ोन लेगा तो उसे ये सारे कलर्स दिखेंगे और वो आपसे जरूर पूछेगा कि भाई ये तूने कैसे किया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता। सो गाइस अब जो हमारे जो नेक्स्ट सेटिंग है वो काफी हेल्पफुल होने वाली है। किसी भी इमेजेस को हाइड करने के लिए आप डायरेक्ट गैलरी से हाइड कर सकते हो, तो इसके लिए बेसिकली आपको अपनी गैलरी खोल लेनी है। एंड दैट्स गैलरी खोलने के बाद आप जिस भी इमेजेस को हाइड करना चाहते हो बेसिकली उसके ऊपर यार टाइप कर दो इस तरीके से। आपको क्या करना है उस इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है एंड दैट्स यहाँ पर ऐड टू एल्बम्स का ऑप्शन होगा, इस पर टैप करके यहाँ पर हिडन एल्बम पर क्लिक कर लो। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वहाँ पर आपसे जो है पैटर्न्स मांगेगा, तो आप नया अपना कोई सा भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो और आपने पहले से बना कर रखा है तो कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर हिडन एल्बम पर मैंने टैप किया एंड दैट्स ओके कर लिया, तो ये जो फाइल्स है वो हिडन हो गई। अब बेसिकली इस फाइल को फिर से मुझे लाना है, तो वो कैसे ला सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको राइट स्वाइप करना है और एल्बम्स पर क्लिक करके नीचे की ओर स्वाइप करना, तो यहाँ पर आपसे पैटर्न मांगेगा, तो आप जो फर्स्ट टाइम पैटर्न क्रिएट किए होंगे वो वाला पैटर्न आप डाल देना यार, और यहाँ पर इस दोनों फाइल को जो है ओके कर देना और फिर से यहाँ पर अनहाइड कर देना। यहाँ पर आपसे मांगेगा कि कौन से एल्बम में फिर इसे आप डालना चाहते हो, तो मैं कैमरा में डालना चाहता हूँ, तो ये कैमरा में ऑटोमेटिकली जो चला गया है एंड दैट्स कैमरा में ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से जो है यार जो है अपने इमेजेस को हाइड कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। बेसिकली होता क्या है यार कि इसके अंदर में ही हम लोगों को इरेज मोड मिल जाता है। अब बेसिकली मान लीजिए इस पर कोई चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर मुझे ये अनवांटेड लग रहा है, तो मैं अगर चाहूँ इसे इरेज करना तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर टैप करना है और स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको जो है इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए एंड दैट्स जो है आप जिस भी इमेजेस को या जिस भी चीज़ को हाइड करना चाहते हो उस पर आप स्लाइटली जो है इसे रिमूव कीजिए एंड दैट्स देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे जो है गायब हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा तेज़ी में कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का आ रहा है, बट आप अगर यार धीरे धीरे करोगे तो वो काफ़ी अच्छे से जो है हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट्स मैं आपको एक दिखा देता हूँ करके, देख सकते हैं मैंने ये ब्लैक वाले पोर्शन पर किया तो ये काफ़ी ही स्मूथली जो है हाइड हो चुका है और कोई भी इशू देख सकते हैं यहाँ पर नहीं लग रहा है कि यहाँ पर स्टार भी बना हुआ था। तो इस तरीके से जो है आप जो है हाइड कर सकते हो किसी भी अनवांटेज चीज़ को फोटोज़ में। काफ़ी टाइम यार कैप्चर करते टाइम में काफ़ी अनवांटेज चीज़ें आ जाती हैं, तो उसे जो है आप जो है हाइड कर सकते हो। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा, इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है। सो गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो कि रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर में आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है, फुल स्क्रीन मोड। यानी कि अगर यार आप अपने शॉमी फोन को आईफोन की तरह यूज़ करना चाहते हो तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है कि सेटिंग के अंदर में चले जाना है एंड दैट सेटिंग के अंदर में जाने के बाद आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग के अंदर में और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इसके ऊपर आप बेसिकली टैप कर दीजिए और फुल स्क्रीन गेस्चर के ऊपर आप जो है क्लिक करके अगर आप इसे सीखना चाहते हैं कि कैसे चलाना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको पहले से आता है तो नोट नंबर भी क्लिक कर सकते हैं एंड दैट्स ये जो है आपका बेसिकली ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप स्लाइड करते हैं तो आपका जो है वो बैक आ जाएगा एंड दैट्स अगर आप जो है इसे फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं कि नेविगेशन यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है, किसी भी एप्लीकेशंस वगैरह को खोलते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो काफ़ी आसानी से जो है आप इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं इस तरीके से स्वाइप अप करके। तो है ना ये कमाल का फीचर्स यार, तो इसे जो है आप इनेबल करके जो है अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी के अंदर आपको मिल जाता है ऐप ड्रॉअर का भी फीचर, तो उसे कैसे इनेबल करना है तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि होम स्क्रीन पर जो है आपको आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर का फीचर्स है, बट
लिए इनेबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि होम स्क्रीन पर जाना है एंड दैट्स ऐप ड्रॉअर पर टैप कर देना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके कर देते हो और बैक आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुका है। एंड दैट्स यहाँ पर जो है आप जो है लेआउट वगैरह को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड सिस्टम के कलर को चेंज कर सकते हो और साथ ही साथ जो है मैनेज ऐप कैटेगरीज भी कर सकते हो। तो ये जो है आपका ऑन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैं इसे स्वाइप करता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरा जो ऐप ड्रॉअर वाला फीचर्स है वो ऑन हो चुका है। एंड दैट्स आप जो है काफ़ी आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की ट्रिक्स यार। तो इसके लिए जो है एक लाइक तो बनता है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। बेसिकली ये जो है रेज टू वेक वाला सेटअप है। इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर में जाना है एंड दैट्स यहाँ पर जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर में जाना है और यहाँ पर आप रेज टू वेक अगर क्लिक कर देते हो और डबल टैप टू वेक अगर क्लिक कर देते हो तो इसके बाद क्या होता है ना कि आपको अपने फ़ोन को ऐसे रखना है एंड दैट्स कभी भी यार आप अपने फ़ोन को इस तरीके से उठाओगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाएगा। फिर इस तरीके से रख दीजिए एंड दैट्स सडनली अगर आप उठाते तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एक और चीज़ है कि अगर आप इसमें डबल टैप भी करेंगे तो भी ये ऑन हो जाएगा इस दोनों फीचर्स को ऑन करने के बाद। तो ये एक कमाल का जो है फीचर्स है। अगर आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर इसे भी डिसेबल भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन भी आपको मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर में। यहाँ पर है लॉक स्क्रीन का जो है ऑनर इन्फो। बेसिकली यहाँ पर आपको वो चीज़ लिख के रखना है कि कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कोई और बंदा ले लेता है, तो लॉक स्क्रीन पर जो है आप अपना जो है नाम और नंबर जो है ऐड कर दीजिए। यहाँ पर से ऑन करने के बाद यहाँ पर लिखने का आ जाएगा ऑप्शन, तो आप जो है ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी फ़ोन जो है चोरी भी हो जाती है तो कोई भी इशू नहीं आएगी क्योंकि लॉक स्क्रीन पर जो है वो मैसेज उसको शो करता रहेगा तो वो आपको कॉल कर सकता है काफ़ी आसानी से। तो ये सारे फीचर्स थे, हिडन फीचर्स थे Redmi Note 8 Pro के अंदर में। और गेमिंग के मामले में तो ये कमाल का एप्लीकेशन है ही। गेमिंग में भी अगर आपने बूस्ट मोड ऑन नहीं रखा तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन है बट आपको गेम स्पीड्स पर चले जाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप उस गेम को कर लीजिए। मैंने पबजी को ऐड रखा और हैगो को रखा है। हैगो मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बट पबजी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मुझे जो है गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी सारे हिडन फीचर इस फोन के अंदर में है बट यहाँ पर मैंने आपको टॉप 5 हिडन फीचर्स बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।